नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय कारपूलिंग और गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएंगे ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी में कुल वाहनों का एक छोटा अंश है और उनके रोके जाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। प्रदूषण पर सुनवाई से पहले पंजाब ने कोर्ट में कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए MSP को प्रति क्विंटल 100 रुपये बढ़ाना चाहिए, पर केंद्र ऐसा नहीं कर रहा। हरियाणा ने कहा कि वह पराली जलाने पर रोक लगाना चाहता है। कुछ थर्मल पावर प्लांट बंद किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से बड़े कदम उठाने को कहा था। आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली आपदा प्रबंधन को DTC क्लस्टर बसों, मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को खड़े होकर भी यात्रा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में उन्होंने बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए निजी बसों को किराए पर लेने की भी बात कही है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। कोरोना के मामले कम होने के साथ शुरुआत में 50% क्षमता के साथ ही यात्रा करने की अनुमति थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 100% कर दिया गया। कैलाश गहलोत का यह प्रस्ताव दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आया है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। गौरतलब है कि राजधानी में वायु प्रदूषण अधिक बढ़ गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।